ओम शांति। अज 19/11/2022 की बाणी है। बाबा आखते ने मिठे बच्चे पातित पावन बाप आए हैं, पावन बना के पावन दुनिया का वरसा देन। पावन बनन वालियां नू ही सदगति प्राप्त होवेगी। अज बाबा ने अपने बच्चों नू प्रश्न पूछा, भोगी जीवन जोगी जीवन विच परिवर्तन होण दा मुख आधार की है? अज बाबा का उत्तर है, निश्चय। जदों तक निश्चय नहीं कि सानू पढ़ाण वाला खुद बेहद दा बाप है, उदों तक ना योग लगेगा ना पढ़ाई ही पढ़ सकोगे। भोगी दे भोगी ही रह जाओगे। कई बच्चे क्लास विच आउंदे है पर पढ़ाण वाले विच निश्चय नहीं है। समझदे है कोई शक्ति है पर निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये किवें हो सकता है? ये ते नई गल है। अजिहे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बच्चे ये तो समझ गए है कि शिव बाबा सानू समझाते हैं, घड़ी घड़ी तो नहीं कहणगे भगवान वाच। ये तो नहीं कि घड़ी घड़ी अपनी महिमा करनी है। शिव बाबा जो सब दा बाप है, वह सानू बच्चों नू बैठ समझाते हैं। भविख 21 जन्मा दे लई अटल अखंड देवी स्वराज प्राप्त कराते हैं। जिमें स्कूल अते कॉलेजों के बच्चे जानते हैं कि टीचर सानू आप समान ब्रिस्टर बना रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट है। बाकी सत्संगा विच हो जाता है, वेद शास्त्र आदि सुन दे लई उस विच तां कुछ मिलता नहीं है। इसलिए टीचर फिर भी चंगे हुंदे है, जो शरीर निर्वाह अर्थ कोई जिस्मानी विधियां सिखांदे है, जिस नाल आजीविका हुंदी है। बाकी सब दुर्गति ही करते है। बच्चे शादी ना करना चाहण तां माँ बाप कहणगे वरसा भी नहीं मिलेगा। जिथे चाहो उत्थे चले जाओ। इत्थे तां बाप अमृत भी पलांदे है अते वरसा भी दिंदे है। कहिंदे है कि पवित्र बनो तां पवित्र दुनिया दे मालिक बनोगे। किन्ना फर्क है हद ते बाप विच अते बेहद दे बाप विच। ओ रात विच लै जांदे है, ये दिन विच लै आंदे है। ये है ही पातित पावन। कहिंदे भी है कि सदगति दाता एक है, जो आके सब दी सदगति करदे है। फिर दुर्गति किसने कीती ये नहीं जानदे। बाप समझांदे है सब आसुरी मत वाले है। इत्थे आंदे है असुरां तो देवता बनन। ये इंद्र प्रस्त है, कई असुर भी छिप के आ बैठदे है। सब सेंटर ते अजिहे छिपे असुर विकारी बहुत हुंदे है। फिर घर विच जाके विष पींदे है, दो काम ते चल ना सकन, ओ पत्थर बुद्धि बन जांदे है। बाप नूं पहचानदे ही नहीं, निश्चय बिल्कुल ही नहीं कि बेहद दे बाप पढ़ांदा है। इवें ही आके बैठ जांदे है तां ना योग लगेगा ना पढ़ाई ही पढ़ सकणगे। भोगी दे भोगी ही होणगे। बहुत समझदे है कि कोई शक्ति है बस। निराकार शिव बाबा किवें आ सकता, किसी शास्त्र विच लिखिया होया नहीं है। ये है नवीं गल्लां, गांदे भी है शिव जयंती, पर पत्थर बुद्धि होण दे कारण समझ नहीं है। शिव है तां ही ते सब भगत याद करदे है। कहिंदे भी है शिवाय नमः। समझदे है वह परम धाम विच रहिंदे है। साडा बाप भी है परम पिता, तां वह सब दा फादर हो गया ना। भारत विच अजिहे ही है जो फादर नूं नहीं मनदे। मनुखां नूं समझाणा बहुत मुश्किल है। मनुख तां इह भी नहीं समझदे कि हुण दुर्गति दा समां चल रहा है। भगती मार्ग विच पहले अभ्याभिचारी भगती सी, हुण व्याभिचारी बन गई है। व्याभिचारी अते अभ्याभिचारी विच किन्ना अंतर है। हुण पाप आत्मा ओह पुन्य आत्मा, अभ्याभिचारी भगती है ही सच्ची भगती। उस समय जानी द्वापर विच मनुख सुखी भी रहिंदे है, धन दौलत आदि सब रहिंदा है। कलयुग विच जास्ती दुर्गति नूं पाउंदे है। जदों व्याभिचारी भगती विच आउंदे है उदों विकारी
भी बहुत बन जाते हैं। दिन प्रतिदिन विकार भी जोर भरता जाता है। पहले सतो प्रधान विकार सी, हुण तमो प्रधान विकार है। सब बिल्कुल तमो प्रधान है। घर घर विच किन्ने झगड़े है, श्री बाबा बच्चों नूं समझाउंदे है। श्री कृष्ण तां बाप नहीं ठहरिया, किसी दी भी बायोग्राफी नहीं जानते है। यह है पातित पावन, परम पिता परमात्मा नूं मंदे है कि वह ज्ञान का सागर है। पानी का सागर थोड़े ही पातित पावन नॉलेजफुल है। मनुखता पानी के सागर विच्चों निकलियां हुई पानी दियां नदियां नूं पातित पावन समझ लैंदे है। उन्हां को पुछना चाहिदा है कि जिवें गीता दे भगवान का अकुपेशन पुछया जाता है, निराकार परम पिता परमात्मा है रचयिता अते श्री कृष्ण है रचना। हुण दसो गीता दा भगवान कौन? भगवान तां इक नूं ही कहांगे, फिर व्यास नूं भगवान किवें कह सकदे? तां इवें इवें दे प्रश्न पुछणे चाहीदे है। पातित बावन परम पिता परमात्मा ज्ञान दे सागर है। उन्हां तो ये ज्ञान गंगावां किवें निकलियां है? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचदे है। उन्हां नूं ब्रह्मा मुख तो ज्ञान मिल रहा है, जिस नाल सदगति नूं पाउंदे है। हुण पाणी दे सागर नाल पावन बनते है जां ज्ञान सागर नाल? पाणी नाल मनुखता पावन हो ना सकण तां इह गल पहले ही पुछणी पए। इन्हां नूं पुछणा नाल पावन दुनिया दे मालिक बन सकदे है। बुलांदे तां उन्हां नूं ही है कि पातित पावन सीता राम। फिर गंगा विच शनान आदि करते हैं तां इह पहेली भी ऐड करनी चाहीदी है। समय ते हर कोई चीज शोभदी है, जिवें उह गीता दे भगवान वाली पहेली है उमें ए भी पहेली है। ख्याल चलते है ना कि अजियां चीजां बनावे जो मनुख सदैव अपने कोल यादगार रखण। चंगी चीज होवेगी तां अपने कोल रखणगे, कागज़ आदि तां सुट दिंदे हैं। देवतां दी चंगी चीज होवेगी तां ओ फड़नगे नहीं। सर्विस दी प्रैक्टिस वालियां ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ, ਬੁੱਲੇ ਕੌਣ? ਬਾਪ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚਿੱਤਰ ਕੈਲੰਡਰ ਛਪਾਓ। ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰਸ ਨਿਕਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਸ਼ਿਵ ਜਯੰਤੀ ਕਹਿਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। सिर्फ शिव जयंती कहना रंग है, एक बच्चे का दिल है। त्रिमूर्ति शिव दे कैलेंडर बनाओ, वह भी रंगीन रंगीन त्रिमूर्ति नाल समझाणी चंगी मिलती है। ता मैं जो मेहनत करते हैं वह भी विष्णुपुरी का मालिक बनता है। बाकी जो ज्ञान नहीं लेंदे उन्हां दा विनाश हो जाता है। वह सजावां भी खांदे है, पदवी भी नहीं पाते। भगत भगवान नूं याद करते हैं पर जदों भगवान आंदे वह पदवी चंगी ना नहीं पा नहीं सकणगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए साक्षात्कार कराया सी। धर्म स्थापक भी आंदे है दृष्टि लैण, याद करते करते विकर्म विनाश करते जाओ तो पदवी ऊंची पा सकते हैं। होर धर्म वाले भी आणगे, सो भी पछाड़ी विच जो बड़े होंगे। इवें नहीं कि हुण तां पोप आएगा, ना ना, इस नंबर दा पोप जो हुण अंतिम जन्म विच है वो आएगा। हिसाब है बड़ा भारी, तां बाप आके 16 कला संपूर्ण बनाउंदे है। ग्रहण नूं सवदर्शन चक्कर नाल कटिया जांदा है। ये जो अपना गोला है उस दे थले लिखना चाहिदा है सवदर्शन चक्कर। ये बहुत वधिया चीज है। ये ईश्वरीय कोर्ट ऑफ आर्म्स है। कोर्ट ऑफ आर्म्स माना राज्य चिन्ह। ये तां शरीरी ईश्वरी गल्लां है। स्लाइड हो जाना स्लाइड जो बना रहे है उन्होंने लिए बाबा समझाणी दिंदे रहिंदे है। जेकर समझो वह मुरली नहीं सुनते तो डायरेक्शन
अकल विच लिया ना सकन। मुरली तो रोज पढ़नी चाहिए है, सर्विस विच जो है उसनू एक्ट विच आना चाहिए है, बाबा आखदे ने। त्रिमूर्ति का भी स्लाइड बनाते हैं, उन्हां विच अक्षर बहुत वधिया है। स्थापना अते विनाश दो गोले भी चाहिए है, ए नरक ए स्वर्ग, ए अज दा भारत ए कल दा भारत। बाप सैकंड विच जीवन मुक्ति देण वाला बैठा है, बाप नू पहचानिया निश्चय हो गया बस जीवन मुक्ति पाण दा पुरशार्थ चल पैंदा है। जन्म ते लिया ना बाप कोलों पूरा वरसा लेना है, फिर विकार दी मंग नहीं कर सकते। बाप कहते हैं भ्रष्टाचारी नू वरसा मिल ना सके। प्रैक्टिकल विच इना दा ब्रह्मा दा ही मिसाल देखिया है ना, अजिहे बहुत मुश्किल निकलते हैं, अपनी जित आदि भी बहुत वेखते हैं। क्रिएटर बाप है ना, सब नू उना दी आग्या ते चलना है। तुसी भी श्रीमत ते नहीं चलते है ता पदवी भ्रष्ट हो जाती है। बाप कहते हैं इस ज्ञान मार्ग विच नष्टो मोहा चंगा चाहिदा है, बाकी अज्ञानी आग्या मिली हुई है। जो बच्चे आग्याकारी नहीं वह कपूत ठहरे, वह बच्चा बच्चा नहीं। पवित्रता की आग्या तो चंगी है ना, राजयोग का बाप हुण ही सिखाते हैं। मनुख तो विचारे समझते नहीं, बच्चों विच भी नंबरवार पुरशार्थ अनुसार समझते हैं। बाप इन्ना डायरेक्शन देंदे है, कई बच्चे मुश्किल करके दिखाते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति का कैलेंडर बनाना है, सारा मदार है त्रिमूर्ति के चित्र शिव ते लिखा होया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना जरूर शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करनगे ना। कल युगी आसुरी राज का विनाश होगा, आसुरी राज विच किन्ना ढेर है, दैवी राज विच किन्ने थोड़े है। लिखा भी होया है कि अनेक धर्मां दा विनाश एक सत धर्म की स्थापना। बाप कहते हैं मैं किन्ना शिंगारदा हाँ फिर भी सुधरदे नहीं है, उल्टा सुलटा बोलते रहते हैं। इत्थे बाबा कहते हैं देह सहित जो कुछ है सब कुछ भुल, ममे कम याद करो, अपनी देह विच भी ना फसो। किसी की देह विच फसण नाल डिग पैंदे है, जिवें मम्मा दी देह नाल प्यार सी तां मम्मा दे जाण तो बाद किन्ने मर गए क्योंकि नाम रूप विच फसे हुए सी। बाप किन्ना कहिंदा है कि देह अभिमानी ना बनो। बाबा आखदे ने ममे कम याद करो, तुसी इस ब्रह्मा दे शरीर नू भी याद ना करो। शरीर नू याद करन नाल पूरा ज्ञान उठा नहीं सकदे, देही अभिमानी बनण विच बहुत मेहनत है। बाप दी याद विच रहना यह बहुत डिफिकल्ट है, ज्ञान ते बहुत चंगा चंगा सुनदे है, योग विच मुश्किल रहिंदे है। जिन्ना रुस्तम उन्ना माया ते तूफान आणगे, किसी ना किसी दे नाम रूप विच फस के धोखा खा लैंदे है। इस विच बड़ी खबरदारी चाहीदी है, योग विच भी बड़ी मेहनत है, नॉलेज तो सहज है, योग विच ही घड़ी घड़ी भुल जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं भी कर्मा जीत किवें बनोगे, योग विच रहो तो पाप भी नहीं होंगे, नहीं तो सौ गुणा हो जाते हैं। इत्थे तो खुद धर्मराज अते बाप दोवां नाल है, इसलिए खुद कहते हैं कि बाप दे अगे कोई पाप नहीं करना, नहीं तो सौ गुणा दंड पै जाएगा। योग नाल ही विकर्मा जित बनना है, सुदर्शन चक्कर नू जानना ते सहज है। इस गोले दे हेठां लिखना है चक्कर ना कि चरखा। बाबा जुक्ति ते बहुत दसदे है, बच्चियां नू एक्ट विच आना है। अच्छा, मिठे मिठे सिकी लदे बच्चियां प्रति मात पिता बाप दादा दा याद प्यार ते गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दी रूहानी बच्चियां नू नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी नू याद प्यार गुड मॉर्निंग अते नमस्ते जी। धारना ले मुख्या सार नंबर एक पर किसी भी देहधारी दे नाम रूप विच अटकना नहीं है,
अपनी देह विच भी नहीं फसना है। इस विच बहुत खबरदारी रखनी है। नंबर दूसरा, ज्ञान मार्ग विच नष्टो मोहा जरूर बनना है। पवित्रता दी आग्या मननी है अते दूसरियां नूं भी पवित्र बनाउण दी जुक्ति रचनी है। वरदान है अज दा, सर्व विकारां दे अंश दा भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनण वाले नंबर वन विजयी भव। सर्व विकारां दे अंश दा भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनण वाले नंबर वन विजयी भव। आज बाप दादा आखदे ने, संपूर्ण पवित्र वह है जिस अंदर अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की परसनैलिटी है। यह परसनैलिटी ही सेवा विच सफलता दवाती है। पर जेकर एक भी विकार का अंश है तो दूसरे साथी भी नाल जरूर होंगे। जिमें पवित्रता का नाल सुख शांति है, इवें अपवित्रता दे नाल पंच विकार दा ग्रहण संबंध है। बाबा आखदे ने, इस लई एक भी विकार दा अंश ना रहे ता नंबर वन विजयी बनोगे। स्लोगन अज दा, हिम्मत दा एक कदम रखोगे ते हजार गुणा मदद मिलेगी। हिम्मत दा एक कदम रखोगे ता हजार गुणा मदद मिल जाएगी। ओम शांति।